बांस क्या होता है? वेरी गुड। और नीचे? वेरी बांस एक लकड़ी होता है। हाँ गुड, तालियां बजाओ इनके लिए। ठीक है, बच्ची क्लास 5 में है और इसको हिंदी पढ़ना आता है, यही बहुत काफी है। टंकी में पानी नहीं। अभी मैं एक स्कूल के पास खड़ा हूँ और इस स्कूल का नाम है प्राथमिक विद्यालय चिलहरिया, शिक्षा क्षेत्र चित्तौरा है, जनपद बहराइच। और यहाँ पर असेंबली हो चुकी है, बच्चे तो बैठे हैं क्लासरूम में। नल जरा चेक करते हैं। पानी तो आ रहा है ठीक ठाक, पीने लायक, साफ सुथरा है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है मैम? स्वरूप शिखा। स्वरूप शिखा मैम। टोटल बच्चे कितने हैं यहाँ पे? सर 209 बच्चे हैं। और टीचर? टीचर यहाँ पे 4 का स्टाफ है। हाँ। एक हेड मैम है। हाँ। और मैं सहायक हूँ। आप सहायक अध्यापक? हाँ। और 2 शिक्षा मित्र है। 2 शिक्षा मित्र जी सर। अच्छा, आज कितने बच्चे आए हैं सर? अभी तो मैंने काम अटेंडेंस नहीं हुई है। हाँ, अभी अटेंडेंस नहीं हुई। आप अकेले हैं? हाँ अभी अकेले हैं। बच्चों काम दे तो प्रेजेंट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, पहले बच्चों को काम दीजिए। हाँ, उसमें बच्चे थोड़ा शोर करते हैं ना, तो मैंने काम दिया। अकेले में? ठीक है मैडम, जरा क्लास में आइए, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग। ठीक ठाक, क्योंकि आज सारे टीचर्स हैं नहीं, तो सारे बच्चे मतलब एक ही में बैठा रखे मैंने। अच्छा, एक भी बैठा है इसमें, 2 भी है, 3 भी है। हाँ। 4-5 बाहर है। अच्छा, इसमें 1, 2, 3 है जी सर। अच्छा, करीब 4, 4, 8 मतलब 30 बच्चे होंगे करीब ना मैडम? जी सर। अच्छा, तो इन्हें अभी कुछ कार्य दिया गया है मैडम? हाँ, अभी तो मैंने काम दिया है, 2 वालों को इधर दिया है, 1 वालों को बच्चे को हम कॉपी में देते हैं। जी जी। बच्चे छोटे हैं अभी। अच्छा, और 4-5 के लिए। शौचालय यहाँ पे बना हुआ है जी सर। पानी कैसे उसमें इस्तेमाल किया जाता है? रनिंग वाटर है या लेके सर, जाना? रनिंग वाटर नहीं है, मतलब अच्छा, लेके जाते हैं। क्योंकि टंकी तो बनी होगी ना? हाँ, वो टंकी बनी हुई है। हाँ, मतलब पीछे बना हुआ है। हाँ, शौचालय। हाँ, साफ सुथरा है? हाँ, देखा? नहीं, ठीक है मैडम, मैं देख लूंगा। अच्छा, इधर इधर बालकों के लिए है और इधर बालिकाओं के लिए है। ठीक है, साफ है लेकिन मच्छर बहुत हैं, क्योंकि आसपास में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इसलिए मच्छर तो आएंगे ही। टंकी में पानी नहीं है मैडम, क्यों? वो पानी काम होता है इसमें। अच्छा, ऊपर वाले में। हाँ। अच्छा, रसोई रसोई के लिए? हाँ, पानी इस्तेमाल किया जाता है, टंकी से इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, जैसे कि जब पानी जैसे ताजा रहता है तब यूज होता है, बाकी इधर हैंडपंप से लेते हैं पानी हम लोग। अब हाथ वगैरह धुलना या बर्तन धुलने के अंदर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। हाँ हाँ, भी देख लेंगे, तो बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ बच्ची? नाजिया। नाजिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। पापा क्या करते हैं आपके? ड्रेस सिलते। ड्रेस सिलते हैं, अच्छा, बहुत अच्छे। क्या पढ़ रहे थे आप? आप क्लास क्लास 4 में हो? 4 में? 5 में हो, वेरी गुड। 5 की स्पेलिंग? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? बांस क्या होता है? वेरी गुड। और नीचे? बांस एक लकड़ी होता है। वेरी गुड, तालियां बजाओ इनके लिए। ठीक है, बच्ची क्लास 5 में है और इसको हिंदी पढ़ना आता है, यही बहुत काफी है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में अधिकतर बच्चों को हिंदी पढ़ना आता ही नहीं। ठीक है, आपका क्या नाम है? तुफेल। तुफेल, अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? केला का काम करते हैं। केला का काम करते हैं, अच्छा। आप कौन सी क्लास में हो? 5 में। 5 की स्पेलिंग जानते हो आप? FIVE 5। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ताली बजाओ इनके लिए। अच्छा, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। क्या नाम है आपका? फेरू। फेरू, अच्छा, क्या क्या काम करते हैं आपके पिताजी? केला का काम करते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। आप कौन सी कक्षा में हैं? 4। 4 में, अच्छा। 4 की स्पेलिंग क्या होती है? 4-4। कोई बात नहीं। आप कौन से देश में रहते हैं? चिलहरिया। चिलहरिया देश में रहते हैं, गलत है बाबू। चलो कोई बात नहीं, बच्चे कैमरा और माइक देख के डर जाते हैं, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। आपका क्या नाम है? साहिल। साहिल, बहुत अच्छे। आपके पिताजी क्या करते हैं? केला लाते हैं। ठेला लगाते हैं? केला लाते हैं। केला लाते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, आप कौन से देश में रहते हैं?
कौन से देश में रहते हैं आप? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप हमें दो फलों के नाम बताओ। कोई भी? हाँ, और अनार। सेब और अनार, वेरी गुड। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चे, सबसे अच्छा तो हमें ये लगा कि इस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं सभी के पास ड्रेस है, ज्यादातर बच्चों के। कोई बात, कैसे हो आप सब? ठीक हो? अच्छा, पढ़ना अच्छा लगता है? मैडम जी पढ़ाती है डेली? जोर से बोलो, वेरी गुड। क्या पढ़ रहे थे आप अभी? किताब पढ़ रहे थे, पंखुड़ी, वेरी गुड। तो हिंदी पढ़ाया जाता है? ये सर सेकंड वालों के लिए काम है। अच्छा, ये सेकंड वालों के, थर्ड वालों के लिए जैसे अभी मैंने वर्कबुक है, हाँ, इसमें काम दिया है। मैडम पंखा तो बहुत स्लो चल रहा है, इसमें क्या कुछ दिक्कत है क्या? सर पता नहीं है, हमें भी है। हाँ, कंडेंसर चेंज करवाइए जरा, थोड़ा सा गर्मी भी है और फिर टीचर्स भी नहीं रहते तो हम लोग को एक जगह अकेले मैनेज करना पड़ता है। हाँ मैं तो ठीक है, मैं बाहर बैठते हैं। तो मैम क्यों नहीं है? मैडम छुट्टी है? छुट्टी क्या? है, सीएल पे है मैम। अच्छा, तो मैम सीएल पे है। अच्छा चलिए एक बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या क्या लिख रहे हैं आप अभी किताब में? कोई बात नहीं। अच्छा ABCD आपको पता है? ABCD और कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं मैडम, ये जो सौरमंडल बनाया गया है इसके पास से तो सबसे पहले आप इन सामग्रियों को अलग उठाकर रखवाइए, क्योंकि सौरमंडल अच्छे से दिखना चाहिए बच्चों को। और बच्चों को अच्छे से बताइए कि इसमें पृथ्वी कहाँ है, मंगल कहाँ है, सूर्य कहाँ है, ठीक ठाक सबको बताइए। बच्चों को पता चलना चाहिए कि इस क्लासरूम में क्या बना हुआ है। जैसे यहाँ पे सर थर्ड क्लास बैठती है, हाँ हाँ, हम लोग को काम देना होता है, तो हम लोग के वर्कबुक जो हम लोग का चल रहा है, FLN चल रहा है, हाँ हाँ, हम लोग का स्टैंड चल रहा है, हाँ हाँ, शिक्षिका संदर जी का, उससे हम लोग काम देना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ जैसे टीचर्स लोग आते हैं, RP आते हैं, चेक करते हैं आपने कौन सा सप्ताह चलाया है या किस बेस पे चल रहा है, ये होता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इसलिए हम लोग उसी बेस पे काम देते हैं बच्चों को। अच्छा, अच्छा। और पढ़ाना होता तो हम लोग को बच्चों को। और ये सब ये किसने बनाया मैडम? ये सब सर बच्चे बनाते हैं, थोड़ा हम हेल्प करते हैं। हाँ, अजय सर वाले रूम में हमारे बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा मैडम, मैंने ठीक है मैडम, आप पढ़ाइए, आप बस ज्यादा टाइम हो जाएगा मैडम। रसोई घर के पास जरा आइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रूर्बन मिशन के अंतर्गत भोजनालय निर्माण कार्य। ठीक है, क्या बना रही चाची? सब्जी रोटी। सब्जी रोटी, किस चीज की सब्जी बनाई जा रही है? आलू सोयाबीन। आलू सोयाबीन और टमाटर, वेरी गुड। मतलब मेनू के हिसाब से बनाया जा रहा है। अभी मैं दो स्कूलों में गया था, वहाँ पर कुछ दूसरा ही बन रहा था, और वहाँ के प्रधान जी आए जब, तो हमने प्रधान जी से पूछा कि प्रधान जी मेनू के हिसाब से क्यों नहीं बन रहा, तो प्रधान जी भड़क गए। ठीक है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो तो भड़केगा ही, और हम मीडिया है, हमारा काम है सच्चाई दिखाना। अच्छा चाची, आपने एक दिन पहले क्या बनाया था? एक दिन शनिवार को सब्जी चावल। सब्जी चावल, उस दिन भी यही सब्जी बनी थी? अरे टमाटर और आलू। अच्छा, मतलब बदल बदल कर बनाते हैं या एक ही बनाते हैं? बदल बदल कर। अच्छा ठीक है, पानी जो इस्तेमाल करते हैं वो नल से लेते हैं ना? टंकी से। टंकी से, अच्छा टंकी साफ किया जाता है कभी? टंकी साफ किया जाता है। कौन साफ करता है? साफ कई कई दिहा, कोई सयान सयान आदमी निकला वही का चढ़ाई दिहागा, क्योंकि मिलता है। हाँ, क्योंकि